Yes, children, in today's class we shall start with question 3 from exercise 3.7. Okay, this is a word problem. So let us read the problem. The length, breadth and height of the room are 825 cm, 675 cm, 450 cm. Find the longest tape which can measure 3 dimensions of the room exactly. ठीक है, तो हम पहले statements लिख लेते हैं. Length of the room, how much? 825 centimeters. ठीक है, breadth of the room, सिक्स सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर्स. ठीक है, हाइट ऑफ द रूम, फोर फिफ्टी सेंटीमीटर्स. ऑल राइट, नाउ फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप. तो हम क्या लिखेंगे, द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द थ्री डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली. देयरफॉर द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द थ्री डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली इज द एच सी एफ ऑफ 825, 675 एंड 450. ठीक है, अब ये हुआ कैसे है, एच सी एफ क्यों लेना है ये हम समझते हैं. देखो, इतने बड़े नंबर्स को हम रहने देते हैं, हम छोटे छोटे नंबर्स ले लेते हैं. हम मान लो ले लेते हैं कि लेंथ ऑफ द रूम है मान लो 8 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ ऑफ द रूम है 8 सेंटीमीटर्स नहीं, हम 8 मीटर्स ले लेते हैं, चलो ब्रेथ ऑफ द रूम है 6 मीटर्स. ठीक है, और हाइट ऑफ द रूम है 4 मीटर्स. ठीक, अब मुझे एक टेप चाहिए जो ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर दे. मतलब कहने का, अगर मेरे पास इतनी लंबी लेंथ है तो मैं चाहे बार बार करके करूं वो कंप्लीट मेजर हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा बच जाए. तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर मेरी लेंथ 8 मीटर्स है तो अगर मेरे पास 1 मीटर की टेप मिल जाए तो मैं 1-1 मीटर करके ये 8 मीटर्स को 8 बार में कर दूंगी, अगर मेरे को 1 मीटर की टेप मिल गई तो. यदि मुझे अगर 2 मीटर की टेप मिल गई तो मैं ये 8 मीटर्स कैसे, कितनी बार में कर दूंगी, मैं 4 टाइम्स में मेजर कर दूंगी. अगर मुझे 4 मीटर वाली एक टेप मिल गई तो मैं ये 8 मीटर को कितनी बार में मेजर कर दूंगी, 2 बार में कर दूंगी, 4 मीटर करके 2 बार में हो जाएगी. और अगर मुझे 8 मीटर की एक टेप मिल गई तो मैं इस 8 मीटर को एक बार में मेजर कर दूंगी. ठीक है, अब बारी आई मेरी 6 की, ये काम तो मैंने कर लिया 8 के लिए, राइट. अब आया 6, अगर मेरे पास 1 मीटर की टेप है तो मैं ये 6 मीटर कितनी बार में करूंगी, 6 बार में कर दूंगी. और यदि अगर मेरे पास 2 मीटर की टेप है तो मैं 6 मीटर कितनी बार में कर दूंगी, 2 मीटर मतलब 3 बार में कर दूंगी. ठीक है, अगर मेरे पास 3 मीटर की टेप है तो मैं 6 मीटर कैसे करूंगी, 3-3 करके 2 बार में खो जाएगा, तो 2 टाइम्स में ख़त्म हो जाएगा 6 मीटर. और अगर मेरे पास 6 मीटर की ही टेप है तो ये मैं एक बार में ही मेजर कर दूंगी, राइट. अब आ गए हम 4 मीटर के लिए. अब अगर मेरे पास 1 मीटर की टेप है तो मैं ये 4 मीटर 4 बार में कर लूँगी मेजर. अगर मेरे पास 2 मीटर की टेप है तो मैं ये 4 मीटर कितने बार में कर लूँगी, 2 बार में, 2 मीटर प्लस 2 मीटर.
और अगर मेरे पास 4 मीटर की टेप है तो मैं ये एक बार में मेजर कर दूंगी, ठीक है। तो बेसिकली आप देखो कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। मतलब मेरे पास एक ही टेप है और उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि वो लेंथ ब्रेथ और हाइट को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर दे। तो इसका मतलब हम जो मेजरमेंट की टेप है वो एक कॉमन मेजरमेंट की होनी चाहिए। तो ये देखो 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर ये कॉमन लेंथ हो गई, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरी कॉमन लेंथ कौन सी है, ये 2 मीटर वाली, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर तीनों के पास है। वो और कोई है देखो, और कोई नहीं दिखती है, ये यहाँ पे है मगर यहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे पास या तो एक एक मीटर वाला 1 मीटर की टेप हो जाए या मेरे पास 2 मीटर की टेप हो जाए। 1 मीटर की होगी तो 4 बारी में ये हो जाएगा मेजर, 6 बारी में ये हो जाएगा और 8 बारी में ये हो जाएगा। और अगर 2 मीटर की होगी तो ये 4 जो है 2 बार में हो जाएगा, 6 3 बार में हो जाएगा और 8 4 बार में हो जाएगा। मगर हमको बोलिए लॉन्गेस्ट टेप मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो लॉन्गेस्ट लेने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ये 2 मीटर की लेनी पड़ेगी, इजंट इट। अब आप बेसिकली देखो कि ये 1 2 4 8 ये क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं 8 के, ठीक है। 1 2 3 6 ये क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं 6 के। और ये 1 2 4 क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं 4 के। और ये जो 2 है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो ये भी हो गया 1 1 1 और 2 2 2। तो 1 और 2 में बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसमें, 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, HCF। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस क्वेश्चन में HCF निकालना है, ठीक है। और वैसे भी ये वर्ड लॉन्गेस्ट यूज़ किया हुआ है, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, बिगेस्ट है, वैसे वाले वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर जहाँ ऐसे वर्ड्स दिखाई देते हैं तो उस क्वेश्चन में हम HCF निकालते हैं। तो ये समझ के करने के लिए ये है, और अगर आप वर्ड्स देखना चाहते हो तो उसके हिसाब से ये है, ठीक है। तो अब हम इसका HCF निकाल लेते हैं। पिछले वाले चैप्टर में मैंने अलग अलग फैक्टराइज करके निकाला था, वो एक HCF का अलग मेथड था। अब इस वाले में मैं इकट्ठे वाला जो सेकेंड मेथड हमने HCF का पढ़ा था उससे निकाल देती हूँ। सो हम क्या करते हैं, इकट्ठे लिख लेते हैं इसको, 825 675 एंड 450। ऑल राइट, अब देखो ये 5 से जाते हैं सब, 5 1s are 5, 3 remainder, 5 6s are 30 एंड 5 5s are 25। अब इसको करते हैं, 5 1s are 5, 1 remainder, 5 3s are 15, 2 remainder, 5 5s are 25। ये 5 9s are 45 और 0। अभी फिर से ये 5 से जा रहा है, 5 3s are 15, 1 remainder, 5 3s are 15, फिर उसके बाद ये 5 2s are 10, 3 remainder, 5 7s are 35, देन 5 1s are 5, 5 8s are 40। अब तो ये 5 से तो जाएगा नहीं, ये गलत हो गया, 5 3s are 15, अगेन 5 3s are 15, सॉरी दिस इज 5 3s are 15। देखो ना 165 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो 5 3s are 15, तो 1 remainder आ गया, फिर से 5 3s are 15, तो यहाँ पे 33 होगा, ठीक है। अब यहाँ 33 है, ये 27 है और ये 18 है, ठीक है। तो ये देखो ये सारे 3 से जा रहे हैं, 3 11s are, 3 9s are और 3 6s are। अब 11, 9 और 6 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ, एच सी एफ ऑफ 825, 675 एंड 450 इज वॉट, 5 × 5 × 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देयरफोर एच सी एफ इज इक्वल टू 5 × 5 × 3, दिस इज इक्वल टू वॉट, 5 × 5 = 25 एंड 3s are 75, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफोर 75 सेंटीमीटर लॉन्ग टेप कैन मेजर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम
एग्जैक्टली ठीक है. सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. इन नेक्स्ट क्लास वी शैल टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए एक क्लास में एक ही हो पाता है.